नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है। पांच चरण के मतदान जो है वो पूरे हो चुके हैं। छठे चरण के मतदान 25 मई को होने वाले हैं, उसके साथ ही अंतिम चरण के मतदान 1 जून को होंगे और 4 जून को मतगणना होगी और पता लग जाएगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा खेल हो सकता है चुनावों के बाद। जी हाँ, दरअसल आप सभी को मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में हाल ही में देखिए चुनाव हुए थे, उसके बाद मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बदले गए यानी कि शिवराज सिंह चौहान से उनकी गद्दी छीनी गई और मोहन यादव को गद्दी दी, तब चर्चाएं थी कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं पार्टी से। उनकी गद्दी छीनने के बाद वो बड़े बड़े बयान भी देते नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थोड़े से पार्टी से नाराज नजर आ रहे थे क्योंकि उनके भी मन में है कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहन यादव एक बिल्कुल नया नाम जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, उनको पार्टी निकाल कर लाती है और सीएम की गद्दी दे देती है। लेकिन जो सूत्रों से बात निकलकर तब सामने आई थी कि भाई शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली आए थे, अमित शाह से मुलाकात करी थी, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी थी, राजनाथ सिंह से मुलाकात करी थी, अब उसके बाद इन लोगों की कोई एक डील हुई कि आपको केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ऐसे में ये बात तो कन्फर्म है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में जरूर दी जाएगी, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर पार्टी केंद्रीय मंत्री बनाती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी यहाँ केंद्र में देती नजर आती है चुनावों के बाद, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा। मैं आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय देखिए मौजूदा केंद्रीय मंत्री है और गुना सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, मौजूदा सांसद भी है गुना सीट से, और गुना सीट से मतदान मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर हो चुके हैं। लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर सीट कोई गद्दी मिलती नजर नहीं आती है केंद्र में, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में बड़ी बकावत यहाँ पर पार्टी के साथ करते नजर आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे बड़ा हाथ था। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे नेता थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। अब ऐसी में सिंपल सी बात है, बिल्कुल यहाँ पर लॉजिक के साथ हम चलेंगे कि आखिरकार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। जब बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी कम सीटों पर बार बार चुनाव लड़ती है, जीतती है कम सीटों पर, उसके बावजूद भी जब गठबंधन होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं, चाहे आरजेडी के साथ गठबंधन हो, चाहे गठबंधन हो भारतीय जनता पार्टी के साथ, मतलब कि एनडीए, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सरकार बनती है उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के अंदर वो नीतीश ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ज्यादा से ज्यादा सांसद होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में वो सरकार नहीं बना पाए और मतलब कि एक मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा उनको नहीं मिल पाया। लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदला जाएगा। अब देखिए, इसकी चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मोहन यादव जो है वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। आपने हाल ही में देखा होगा कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर मतदान में परसेंटेज की बात करी जाए कि कितने परसेंट वोट मध्य प्रदेश में पड़ा है, तो इस बार वोट परसेंट जो है वो 2019 से भी बेहद कम है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर, भाई जब आपके प्रदेश में पार्टी के लिए केंद्र में वोट ही नहीं पड़ रहा तो ऐसे में आप मजबूती के साथ कैसे खड़े होते नजर आ सकते हैं। अब देखते हैं खैर मध्य प्रदेश में क्या होता नजर आता है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्या देश का प्रधानमंत्री बदलेंगे या फिर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे। अगर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेते हैं तो मध्य प्रदेश में 100% है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बदला जाएगा। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।